हाय गाइस, मेरा नाम पार्थ है एंड वेलकम यू ऑल ऑन द सेवेंथ डेली विद अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड कॉन्कर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 इन द नेक्स्ट 30 डेज विद मी दैट इज पार्थ हरमन। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 24 अक्टूबर को है एंड उसमें रफली हम लोग का डेढ़ महीना बचा हुआ है। एंड given the popularity of UPPCS in last couple of years because of its changing pattern and also for the fact that UPSC ki jo overall seats hai wo pichle 5 saalon mein decrease hi hoti ja rahi hai, increase nahi ho rahi hai and competition badhta ja raha hai, number of aspirants badhte ja rahe hain, aise mein record number of students are approaching UPPCS every year, jahan par aaj se 3-4 saal pehle ये डेटा अराउंड 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स का होता था हर साल, अब ये डेटा होकर करीब 7-8 लाख हो गया है। दैट मीन्स मोर देन डबल। बट अभी भी बहुत सा एक एलिमेंट, एक डाउटफुल एलिमेंट बच्चों के बीच में रहता है कि इसके प्रीलिम्स को हम कैसे कॉन्कर करें, बिकॉज जो पैटर्न चेंज हुआ है वो मेन्स एंड इंटरव्यू का चेंज हुआ है, बट प्रीलिम्स का जो पैटर्न रहा है वो मोर और लेस सेम रहा है, विद द सेम डिफिकल्टी लेवल, सेम फैक्चुअल एलिमेंट एंड एवरीथिंग। सो फॉर दैट हम आपको हेल्प करने के लिए ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। एंड बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ द प्रोग्राम, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द मेंटर्स जो इस प्रोग्राम को हेल्प करेंगे। एक तो मैं हूँ पार्थ एंड दूसरी है श्वेता मैम। श्वेता मैम रैंक 22 हैं UPPCS 2019 की एंड उन्होंने और हमने मिलकर ये प्रोग्राम आपके लिए क्यूरेट किया है सिविल जेली पर, जहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे इन द नेक्स्ट 30 डेज, जिससे आपका UPPCS का जो प्रीलिम्स कॉन्कर करने का एक स्कोप है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा एंड इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो अगर हम देखें कि 7-8 लाख बच्चे फॉर्म भर तो रहे हैं, ठीक है, बट उनकी जो डिफिकल्टी है वो कहाँ पर आ रही है UPPCS प्रीलिम्स में? पहली बात तो ये है कि जो सिलेबस है वो UPSC और UPPCS का ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, जिसकी वजह से जो बीच का कन्वर्जेंस है स्पेशली हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन दिल्ली, हरियाणा, ये 9 स्टेट्स के बच्चे तो इसके फॉर्म्स जरूर जरूर डाल रहे हैं जो कि UPSC प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। एंड उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिलेबस सेम है, बट यहाँ पर प्रीलिम्स की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। वो अप्रोच डिफरेंट क्या है, आई विल टेल यू। सेकेंडली, ये जो आपका प्रीलिम्स का जो ओवरऑल एक वेटेज है, अगर UPSC का प्रीलिम्स एनालिटिकल है तो UPPCS का प्रीलिम्स फैक्चुअल, एंड ये जो एक एलिमेंट है ये बहुत डाउट क्रिएट कर देता है एक एस्पिरेंट के माइंड में। ऐसे में जब आपका ये अप्रोच इतना डिफरेंट हो जाता है फैक्चुअल वर्सेज एनालिटिकल, तो ऐसे में जब आपका सिलेबस भले ही सेम है आपको वो करना पड़ता है फिल्टर डाउन। आपको पढ़ना लक्ष्मीकांत ही है UPPCS में भी और UPSC में, बट आपको वहाँ का जो कंटेंट है उसको फिल्टर डाउन करना पड़ता है UPPCS के डिमांड्स के लिए। एंड अगर आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए उस फिल्टर डाउन करने के लिए, उस फैक्चुअल एलिमेंट को समझने के लिए और उस डिफरेंट अप्रोच को एसिमिलेट करने के लिए, तो उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो मैं और श्वेता मैम आपको देने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। सो एज वी हैव सीन इन लास्ट 5 ईयर्स, जो बहुत बड़ा कंप्लेंट रहती है, बहुत बड़ी जो कंप्लेंट रहती है किसी भी एस्पिरेंट की, वो है कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी फैक्चुअल आ रहे हैं। नो डाउट, बहुत फैक्चुअल आ रहे हैं, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, बट आपकी जो सोर्सेज हैं तीनों के वो मोर और लेस सेम ही है जो आप UPSC में करते आ रहे हैं। हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं, आपको यहाँ भी पढ़नी है। आप ओल्ड NCERTs पढ़ रहे हैं UPSC के लिए प्रीलिम्स में, आपको यहाँ भी पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए सिमिलरली GCNEOG NCERT एंड आपके एटलस, वर्ल्ड एटलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम हैपेंस इन UPPCS एज वेल। इकोनॉमी में थोड़ा अलग आ जाता है, यहाँ पर आपको रमेश सिंह थ्रू एंड थ्रू नहीं पढ़नी होती है, उल्टा यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स
थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ता है, एंड उसमें डेटा और जो मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से देखने पड़ते हैं। बट अगर कोई एक एक्सपर्ट जिसने पिछले 6 साल से 5 साल से लगातार UPPCS के मेंस लिखे हैं, लगातार इंटरव्यू CS किए हैं, हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए हैं इंटरव्यूज एंड मेंस में, अगर वो आपको गाइड कर दें इस एलिमेंट के लिए, तो आपका एक अच्छा खासा प्रिपरेशन फास्ट ट्रैक हो जाती है। सो मूविंग ऑन, पहले प्रोग्राम को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो ट्रेंड है पिछले 5 सालों का वो क्या कहता है सब्जेक्ट वाइज, एंड वहीं से आपको एक ब्रेकअप मिल जाएगा कि आपको तैयारी अपनी किस मोड में करनी है अगले 30 दिन में। सो अगर आप इस पूरे डेटा को देखें, ठीक है, एक बार को हम 1920 के जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है इनको हटा देते हैं, अगर आप 5 साल का ट्रेंड देखें तो आपको सबसे बड़ा एबरेशन जो मिलेगा वो है ये, विच इज योर करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। ये जो वेटेज है ये आपका UPSC से एकदम अपोजिट है, जहां आपका UPSC में मोर लेस 12 से 15 सवाल हर साल करंट अफेयर्स के आते हैं, वहीं पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर UPPCS में करंट अफेयर्स और मिसलेनियस टॉपिक्स को मिलाकर आपके अराउंड 55 क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों 150 सवालों में से, दैट इज मोर देन 1/3। अगर आपने ये कॉन्कर कर लिया तो आपका रेस्ट ऑफ द पेपर काफी आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस देखें तो मोर और लेस वो UPSC लेवल के ही हैं, इट्स जस्ट कि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, बट आपका जो डिफिकल्टी लेवल है, जो आपका प्रिपरेशन लेवल है, वो एज इट इज सेम है जो आपका UPSC का है, डायरेक्ट एज UPSC, ठीक है। हिस्ट्री में कुछ मिथ्स है, उस मिथ्स को अगर आप दूर कर लेते हैं तो आपका 2/3 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के वो आसानी से अप्रोचेबल है। 1/3 के लिए आपको एक नई किताब पढ़ने के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो नहीं अलाउ करता है। तो अगर आपका 2/3 पेपर हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम एंड ओल्ड NCERTs पढ़ने से हिल रहा है, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग SK पांडे एंड एवरीथिंग इन डिटेल अगर आपके पास समय नहीं है। ये उसके पास होता है जो अभी से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको 2022-23 में एग्जाम देना है, उसको मैं जरूर कहूंगा कि हाँ SK पांडे भी पढ़ डालू, वो आपका जो बाकी 1/3 क्वेश्चन है हिस्ट्री का जिसको नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज कहते हैं वहां से आ जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगले 30 दिनों में आपको वही तैयारी करनी है जो UPSC के लिए कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। इकोनॉमी मैंने बताया आपको, मैं हेल्प करूंगा। ज्योग्राफी में आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे इसमें, एंड सेम गोज विद एनवायरमेंट, ठीक है। साइंस टेक यहाँ पर जो आता है UPPCS में वो आपका UPSC से बहुत अलग आता है, यहाँ पर आपका बहुत सा कन्वेंशनल साइंस आता है विच इज बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर टेक पार्ट उतना नहीं आता, यहाँ पर आपका जो ट्रेडिशनल है बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसी ऑर्डर में सबसे बायोलॉजी आता है, फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री आता है, आपको इसी ऑर्डर में तैयारी करनी है। इसके लिए आप अपनी जो NCERTs है उस पर रिलाई कर सकते हैं, और प्लस लूसेंट की जो साइंस की किताब आती है उसमें टेक पोर्शन हटाकर आपको साइंस पर फोकस करना है, एंड साथ में मैं आपने आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपके डिजीजेस जो हैं, डिसऑर्डर्स जो हैं, एंड एग्री, ये तीनों साइंस पोर्शन में आ जाते हैं इसलिए। बट जो आपका सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है आपका करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। नाउ व्हाट इज मिसलेनियस, मिसलेनियस इज लाइक योर सेंसस डेटा, जो कि करंट अफेयर्स भी नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है, दोनों में बीच का है, आपकी डिफरेंट रिपोर्ट, डिफरेंट इंडाइसेस, जैसे फॉरेस्ट सर्वे की आती है, IPCC की जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, वो सारी रिपोर्ट जो कि आपकी करंट डोमेन से तो हट चुकी है 2-3 साल में, बट वो आपका स्टैटिक भी नहीं है, वो आपका अराउंड 25 क्वेश्चंस पर ईयर आ रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से, 25 क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस से, 55 क्वेश्चंस मोर देन 1/3 आपका करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस से आ रहा है। नाउ द एलिफेंट इन द रूम, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चंस, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 2019 में 8 सवाल थे एंड 2020 में 6 सवाल थे, एंड ये सवाल आ कहाँ से रहे हैं, ये कोई स्टैटिक सब्जेक्ट से नहीं आ रहे हैं, ये आपके करंट अफेयर्स बेस्ड या फिर आपके आसपास जो भी हो रहा है उसी से आ रहे हैं। हम जो स्कीम्स पढ़ रहे हैं या फिर हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर हम जो इंडाइसेस पढ़ रहे हैं नेशनल लेवल पर,
उसी में से उत्तर प्रदेश का जो स्पेसिफिक डेटा है वो पूछा जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपने ये दोनों एलिमेंट अच्छे से कवर कर लिए तो सोचिए आपके अराउंड 61 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 ये आपका पूरा का पूरा कवर कर दे रहे हैं ये दो एलिमेंट, ठीक है। बट अगर आप इसी को हम ग्राफ में देखें, ठीक है, अब आप देखोगे कि मैंने कहा कि 55 क्वेश्चंस एंड 6 क्वेश्चंस आपके इससे आ रहे हैं, बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो ऑलमोस्ट आपका 45% क्वेश्चंस इन दो एरिया से आ जाते हैं, सी एम एस लिनियस एंड यूपी स्पेसिफिक। एंड किसी भी एग्जाम में अगर आपको इतना वेटेज नॉन स्टैटिक पोर्शन से मिल रहा है ना, वो आपके लिए एक एडवांटेज है। एंड वो एडवांटेज थोड़ा डर पैदा कर देता है कुछ लोगों में कि हम वो करंट अफेयर्स पढ़े कहाँ से, उसके लिए मैं बात में आऊँगा इसी वीडियो में। एंड अगर आप क्वालिटी को देखिए, अगर आप इन तीनों को आप मिला लीजिए, जैसे मैंने कहा ना क्वालिटी आपका बहुत आसान आता है, ठीक है, सो ऑलमोस्ट 40%, ऑलमोस्ट 5% एंड ऑलमोस्ट 15% गिव्स यू अराउंड 60% क्वेश्चंस आपके इन तीन एरिया से मिलकर आ जाते हैं। ऐसे में अगर आपने ये तीन एरिया अच्छे से कवर कर लिए तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक सकता है। एंड इस प्रोग्राम में हम केवल 60% में नहीं बल्कि इस 100% पर फोकस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज के रिविजन के थ्रू। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। श्वेता मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगी कि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठना है क्या एक्सपेक्ट करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो हम यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको पहली बात तो गूगल सेशंस देंगे मेरे यानी पार्सर और श्वेता मैम के साथ। हर ऑल्टरनेट डे पर आपके साथ हम लोग गूगल मीट करेंगे जहां पर हम आपके सारे मैक्रो डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व करेंगे। एट द सेम टाइम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। ये आपका इस लाइव सेशन में कंप्लीट होगा जो कि हर अल्टरनेट डे पर होगा, जिसकी टाइमिंग्स हम आपको हर दिन बताया करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे साथ ही आपके जो माइक्रो डाउट्स हैं टॉपिक्स को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर या किसी भी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, वो आप हमारे साथ हैबिटेट पर जुड़कर वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं। 24/7 हम लोग की गाइडेंस वहाँ पर मौजूद रहती है, मैं और श्रोता मैम हमेशा रहते हैं वहाँ पर। हम लोग ने जो आप लोग के लिए मटेरियल क्यूरेट किया है वो ये ध्यान में रखकर किया है कि आप अपनी जो तैयारी है जो अपने रेफरेंस मटेरियल है उसके थ्रू कर ही रहे हैं, बट ये जो एड मूवमेंट का जो रिवीजन है जो UPPCS में जो वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली हिस्ट्री पॉलिटी एंड मिसलेनियस में, वो हमने और श्रोता मैम ने मिलकर क्यूरेट किया उसको, क्योंकि हम लोग का इतना एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल में 7 साल में UPPCS का कि हमको पता है कि हमको पता है कि UPPCS में अगर आप इकोनॉमी को अप्रोच कर रहे हैं, हिस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं, ज्योग्राफी को अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको वो किस लेवल पे अप्रोच करना है, क्या क्वेश्चंस पूछ सकती है UPPCS इस साल के प्रीलिम्स में, एंड कैसे आपको लास्ट मिनट रिवीजन में ये मटेरियल हेल्प करेगा, ये भी हम लोग आपको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ में हम आपको दे रहे हैं 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। इन 10 मॉक टेस्ट में 4 थीम बेस्ड हैं एंड 6 SLTs हैं। ये थीम बेस्ड कौन कौन से हैं, यूपी है, बजट है, स्कीम्स हैं और IR। ये स्कीम्स जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार दोनों की स्कीम्स और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो बाकी राज्यों की वो UPPCS आराम से पूछता है आप सबसे, वो हम सब ने कवर की हैं। ये आपके 4 थीम बेस्ड हो गए और 6 SLTs हैं। इन SLTs में भी हमने आपका पिछले 15 महीने का करंट अफेयर्स पूरा कवर किया है। ये टेस्ट देकर आपको वही फीलिंग आएगी जो आपको UPPCS के एग्जामिनेशन हॉल में आती है, एंड इससे बढ़िया आपको अपनी तैयारी गौज करने का कोई और मौका नहीं मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस प्रोग्राम में आपको 15 महीने का करंट अफेयर्स दे रहे हैं। ये 15 महीने का कहाँ से है, मई 2020 से अगस्त 2021 तक का हम आपको करंट अफेयर्स दे रहे हैं। ये करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको
ध्यान में रखा गया है UPPCS की जो डिमांड है उसके हिसाब। बहुत से लोग करंट अफेयर UPSC का पढ़कर ये सोचते हैं कि हम उसी से UPPCS का प्रीलिम्स में निकाल लेंगे, बट इतना आसान नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि जहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स जो है UPSC का वो एनालिटिकल हो जाता है प्लस बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट हो जाता है UPSC में, वही UPPCS में ये आपको व्हाट वेयर व्हेन एंड हु, जो चार W हैं, किसमें कब कहाँ कैसे, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने जो करंट अफेयर्स आपका क्रिएट किया है पिछले 15 महीने का, वो इसको ध्यान में रखकर किया है। अननेसेसरी डेटा हमने सारा निकाल दिया है, अननेसेसरी एनालिसिस हमने निकाल दिए, हमने केवल वही रखा है जो आपका प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स में UPPCS पूछ सकता है, केवल वही करंट अफेयर्स हमने इसमें रखा है। ये भी हमने और सुल्ताना ने मिलकर तैयार किया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था शुरू में, आपके जो भी माइक्रो और मैक्रो लेवल के डाउट्स हैं ये हम आपका मिलकर सॉल्व करेंगे। माइक्रो लेवल हम लोग आपका चार्ट्स के थ्रू एंड डिस्कशंस के थ्रू ही कंप्लीट कर देंगे। जैसे आपको कोई भी डाउट है कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ठीक है साइंस का ये हमको पॉइंट समझ नहीं आ रहा, या फिर हिस्ट्री में ये कैसे हुआ था सर ये बता दीजिए, वो हम लोग गूगल लाइव की जगह डिस्कशंस के थ्रू करेंगे। और जो मैक्रो डाउट्स हैं एंड ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज हैं वो हम लोग गूगल मीट पर करेंगे इस प्रोग्राम के साथ, ठीक है। बट इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है आपका ये 10 मॉक टेस्ट है ये, क्योंकि गाइस मॉक टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आप खुद को सचिन तेंदुलकर की जगह पर रखकर इमेजिन करिए। आप सबने देखा होगा कि उस बंदे ने उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितने पसीने कितने घंटे नेट सेशन पर दिए हैं, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर हर 5 साल बाद कोई ना कोई एक्सपर्ट आकर उनको राइट ऑफ करता था कि न अब टाइम इनका ओवर हो चुका है, बट उसके बावजूद भी वो खिलाड़ी 23 साल तक, इनफैक्ट 24 साल तक लगातार खेलता रहा, लगातार देश को रिप्रेजेंट करता रहा। एंड उसका बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने नेक्स्ट सेशन पर अपने ढेरों घंटे बिताए हैं। एंड किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो UPSC का एस्पिरेंट हो, चाहे वो UPPCS का हो, चाहे वो BPSC का हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करता हो, उसके लिए मॉक टेस्ट मस्ट है। क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आप कितने पानी में खड़े हुए हैं। मैं कितने भी घंटों पढ़ाई कर लूँ, मैं कितने भी किताबें पढ़ लूँ, अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो मेरे उस पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो मॉक टेस्ट है वो उन्हीं नेट सेशंस की तरह है जहाँ पर आप अपने सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान सकते हैं और उन्हीं पर वर्क करके आप अपना जो एक सक्सेस मंत्र है वो पा सकते हैं। एंड ऐसे में 10 टेस्ट और वो भी क्वालिटी वाले टेस्ट अगर आपको एग्जाम से पहले मिल जाते हैं तो इससे बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आफ्टर एवरी टेस्ट आप गूगल मीट पर मुझसे बात करिए, छोटा नाम से बात करिए, अपने डाउट्स रिजॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस को लेकर डाउट है वो आप चैट पर पूछिए, कोई टेस्ट को लेकर डाउट है या स्ट्रेटजी को लेकर डाउट है या प्रिपरेशन को लेकर डाउट है वो हमसे गूगल मीट पर पूछिए कि सर पॉलिटी कैसे अप्रोच करना है, सर ज्योग्राफी कैसे अप्रोच करना है, हम उनको आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड आप जब मॉक टेस्ट देते हैं वो आपके स्टार पैटर्न के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, विच इज व्हाट, फर्स्ट यू हैव टू स्टडी, देन गिव द टेस्ट, देन एनालाइज दैट पर्टिकुलर टेस्ट, कम बैक टू द टेस्ट एंड एनालाइज की आपने गलती क्या क्या की है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा गलतियाँ की हैं, कौन से टॉपिक से कम गलतियाँ की हैं, किस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा गलती हुई है, क्या वो स्टेटमेंट बेस्ड है, क्या वो एलिमिनेशन बेस्ड थे, क्या वो मैच द फॉलोइंग थे, क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आप जब एनालाइज कर लेंगे आपका रिवाइज करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। आप बिना टाइम वेस्ट किए जहां आप 2 घंटे में रिवाइज करते हैं, क्या पता आप अगले 1.5 घंटे में ही रिवाइज कर लें अगली बार में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है जिसको आप थोड़ा सा ग्रांटेड ले सकते हैं एंड कौन से टॉपिक पर आपको डबल मेहनत करनी है। तो आपने जो समय वहां बचाया है वह समय आप अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने में कर सकते हैं। सो गाइस इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का हमारा मकसद यही है कि कैसे आप धीरे धीरे अगले 30 दिनों में एक डाउटफुल पोजीशन से कैसे एक
सिक्योर पोजीशन पर आ सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को कॉन्कर करने में। एंड इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करके आप पहला ही कदम उठा रहे हैं 2021 के यूपी पीसीएस मेंस लिखने के लिए। ये जर्नी की शुरुआत है, बाकी जर्नी हम सब मिलकर साथ में तय करेंगे, आप, मैं और श्वेता नाम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हमारे मेंटर्स या मैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। बाकी जो प्रोग्राम के डिटेल्स हैं वो आपके कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। एंड ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप प्लीज लिंक को फॉलो करिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Seville's Daily.